अजहर महमूद जो है वो नए कोच हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, मिकी आर्थर को बड़ा क्रिटिसाइज किया था लास्ट। यार एक सच्ची बात बताऊं, मैं पाकिस्तानी कोच बन गया और इनको जो चाहिए था गोरा पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट भी है और उसी पासपोर्ट पर वो आईपीएल भी खेल चुका है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए अजहर महमूद, और बड़ा तजुर्बा है T20 क्रिकेट का। पाकिस्तान के साथ उसकी दो बारियां लग चुकी हैं, बॉलिंग कोच रहे वो सरफराज वगैरह के टेन्योर में ना। तो अजहर महमूद को अगर आप देखें तो कम से कम लोकल है, शादाब खान, इमाद वसीम, आमिर, बाबर, ये सब उसे जानते हैं एटलीस्ट, खुसूसन ये जितने आपके पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लड़के हैं, ये अजहर महमूद का इनके बीच में ना एक अच्छी एक इज्जत है उसकी। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी अजहर महमूद के घर से भी शुरू होती है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो लंदन में उनका घर है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट ग्राउंड से कम और किचन से ज्यादा चलती रही, समझ गई ना, कि वहाँ जाके काफी लोग रहते हैं, काफी प्लेयर्स रहते हैं, अब वो जो वहाँ जाके रहता है भाई भाई हो जाता है, फिर उसको जो है पाकिस्तान की टीम में यकीनन चांस मिलता है, उसके लिए आवाज भी उठाई जाती है। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है, टैट हो या टैटू हो, बस बात ये पाकिस्तान जीते। 17 की फौज जो हमने जमा की है और 7 और भी रखे हैं रिजर्व में, बाकी गरीब 4-5 ही रह गए, उन्हें भी रख लेते, कह देते ये सेकंड रिजर्व टीम है। क्या कसूर है, सही बात है। तो आप दोनों मुझे इतना ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है। नहीं हमारा भी गाँव ऐसा ही है, हमारे पास से भी कभी अच्छी खबर थोड़ी आती है, हम अपने लिए भी कहते हैं हमारे पास से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती, लेकिन क्यों क्यों खुश नहीं देख रहे हैं? किस बात पे ढोल, किस बात पे? क्या न्यूजीलैंड ने क्या पाकिस्तान को हरा दिया जो मैं ना खुश होऊंगा? अच्छा तो मतलब आप दोनों कह रहे हैं कि आप लोग जब खुश होंगे जब हरा देंगे। ये इतनी मजबूत टीम है हमारी, इतना बैलेंस स्क्वाड है हमारा, मतलब क्या मैं ये सोचूंगा, मैं ये सोचने की गलती करूंगा चैंपियन फिर हरा देगा? 5 तो हमारे नॉन ट्रेवलिंग है, 7 ये बताएं आप मुझे, तो ये आपने देखने देखे यार, जब तक आप जीतेंगे नहीं, जीत के होती क्या है, जीत वो होती है जब आप पूरी कौम जिस पे खड़ी हो जाए तालियां बजाने लगे, भाई कोई चलती फिरती जीते अगर मिल जाए आपको ठीक है, तो फिर वो उन जीत का कोई फायदा नहीं होता, ना आपका टैलेंट ग्रूम होता है ना टैलेंट को मौका मिलता है मैक्सिमम। पिछले 4 सालों से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें तो मैनेजमेंट में लोग बदल रहे हैं, टीम में कोई तब्दीली नहीं हो रही, वही रिजवान है आज, फिर वही बाबर है, वही शाहीन है, वही इमाद है, वही आमिर वापस हो गए, नए प्लेयर्स को शायद उस तरीके से मौका नहीं देते डोमेस्टिक लेवल पे, हम इतने खिलाड़ियों को उस तरीके से यू नो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रही, मैरिट भी कितनी हमारे लैकिंग है, मैरिट तो आपको पता है, खा रहे पी रहे मस्ता रहे हैं और क्या, मतलब घरों के बच्चे खेल रहे हैं, और क्या चाहिए, मतलब आप तुम क्या चाह रही हो, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म हो जाए क्या? मेरिट होती क्या? मैट्रिक होता है, मैट्रिक कोई भी नहीं है इनमें, किस जगह है मेरिट, किस जगह? सही बात है, हाँ कहीं है मेरिट, हाँ मेरिट, जिसको जो काम करना चाहिए वो काम कर रहा है, और फिर क्रिकेट में क्यों यार? दूसरी बात, फिर क्रिकेट आप तो मेरिट है, मर्जी है, मैं, जिसकी जैक अच्छी है वो खेलेगा। एक बात ये जरूर कहता हूँ मैं कि यार अगर तुम पाकिस्तान से खेल रहे हो तो भैया हम पे एहसान कर रहे हो क्या, पैसे लेके खेल रहे हो क्या, ईदी के झूले से निकल के खेल रहे हो क्या, लोग आदमी आहे भरे और तुम्हारे लिए दुआएं करे, दुआएं किस बात की करे भाई, कोई भी इंसान खेल रहा है तो वो क्रिकेट के अलावा एक और जोन में लेके जाता हूँ मैं आपको, हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे मुल्क की डायनेमिक्स क्या है, एक बहुत अच्छा हाई क्लास प्रोफेशनल उठाने, उसका पर डे पूरे दिन मेहनत करने के बाद क्या बनता होगा पर डे, बहुत अच्छा हाईली मतलब क्वालिफाइड प्रोफेशनल और लोगों के फायदे का काम का, आई थिंक 1,00,000 रुपए बहुत होगा पर डे ना, किसी का होगा सुबह से शाम तक का पूरा वक्त देने के बाद। ये भी आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मैं बहुत वो डायरेक्टर लेवल पर चला गया हूँ, हालांकि आप डायरेक्टर भी 20-25 लाख से ऊपर के नहीं है मार्केट में, मुझे ये भी पता है। तो कहने की बात ये है कि अब आप मुझे सीधा सीधा सा बता दें कि ये एक वाहिद खेल है कि ना, आपकी एक मिसाल दे रहा हूँ लोगों को समझ आ जाए, ताकि हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए लोग, कोई मैट्रिक है, कोई फर्स्ट ईयर से भागा हुआ है, कोई पूरा मैट्रिक भी नहीं है, इस तरह के लोग पाकिस्तान का ही नाम लगाए ना इनके साथ, तभी तो ये इतना हाईली पेड होते हैं, ये 20-25 लाख इन्हें 3 घंटे का मैच खेलने के मिलते हैं, महीने के कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एडवर्टाइजमेंट के पैसे अलग है, तो बात ये उसके बाद ये क्यों मजलूम बने रहते हैं, ये क्यों अपने आप को दिखाते रहते हैं जान से प्यारा का सुंदर है, ये क्यों दिखाते रहते गोविंदा का जुड़वा भाई सुंदर जान से प्यारा का, मैं हमेशा से क्यों ये क्यों आखिर इस बात पे खिलाफ करता हूँ कि अगर आपको मैक्सिमम मौके मिल चुके हैं, अपॉर्चुनिटी आप ले चुके हैं, तो फिर आप ये कहने के हकदार नहीं है कि यार नेक्स्ट में कर लेंगे, अगला मौका आया फिर कर लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कोच से भी सेटिंग है, सिलेक्शन से भी सेटिंग है, कि तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम जब मौका आया तुम हार जाओ तो यही कहते रहना, सेटिंग समझा उसको कौन सी वाली हो, परेशान हो क्या, वो वाली सेटिंग है वो वाली सेटिंग नहीं, ये भाई भाई वाली सेटिंग है, दोस्ताना वाली सेटिंग, भाई तो अब बने दोस्ताना वाली सेटिंग है,
इसे खिलाना, ये पौका जिसको कह रहे थे ना तुम चौकीन थी, वो पौका क्या होता है? वो होता है खास आदमी। यार ये मेरा खास आदमी, कम अच्छा भी खेलता है, इसे खिलवाना। देखिए रिजवान जैसे, रिजवान पौका है, पौका मतलब इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको कि रिजवान न्यूजीलैंड सीरीज जब आप हारे 4-1 शाहीन कप्तान थे, तो तीसरे मैच में रिजवान निकल कर आ गया सामने और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर उसने कह दिया कि मैं मुतमईन नहीं हूँ कि मुझे मेरा नंबर नहीं मिला, और जब जब मुझे और बाबर को जो है ना हमारी जोड़ी को अगर तोड़ा ना जय और वीरू की तो आग लगा दूंगा। बताइए आप मुझे कि यार एक तरह से आपको डराया क्या? ये जो छोटी मोटी टीमों से हम कभी कभी जिता देते हैं ना, ये भी नहीं जिताएंगे। हाँ पाकिस्तान के नाम के मोहताज ये खिलाड़ी है, हम नहीं है भाई, हम तो है पाकिस्तानी भाई। तुम पाकिस्तान के नाम पे इज्जत उतरवा देते हो, हमें ये पता है इज्जत उतरवाना मतलब तुम हार गए अफगानिस्तान से, हार गए तुम जिम्बाब्वे से, हार गए वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब तुमने तो तमाशा बनाया है। अच्छा फिर पूछो इनसे यार आपको कैसा, यार मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल मैच था, शोर कर रहा है यार, पहले कहां कह रहा था, पहले तो कहा हार गया, गेम पार्ट ऑफ गेम, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम है। मेरा सबसे बड़ा अफसोस मुझे हमें सुन सुन के तो शर्म आई है कि भाई अफगानिस्तान वाली हार बड़ी खतरनाक है, मुझे ओवरसीज कॉल आई, ओवरसीज बहुत अच्छा 30 मिनट में बेहतरीन अमाउंट ट्रांसफर कर रहे थे, वो मेरे मुल्क में 3.5 गुना बन रहा था। मैंने बाखुदा मना कर दिया मैं आज के दिन शो नहीं करूंगा आपके साथ, क्योंकि मेरा मुल्क अफगानिस्तान से आ रहा है, उन्हें भी शायद स्पाइस चाहिए। हाँ, सही बात है, बहुत बड़ा इदारा है, तैयारियां टीम करती नहीं करूंगा मैं, तैयारियां टीम करती है और वो ग्राउंड में नजर आती है। आपने हार गए तो आपकी फाइट नजर आएगी, जीत गए तो ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है? नागन चौरंगी, पैडल भी एरिया, पीआईजी कॉलोनी, गुलिस्ताने जॉर्ज, गुलिस्ताने जॉर्ज, जेट लाइन, मालवाड़ी लाइन, और उसके बाद रामस्वामी रणछोड़ लाइन, और स्टेडियम रोड, सारे एरिया, और वो जो 7 ट्रैवलिंग रिजर्व है ना उनके भी एरियाज बड़े कम। उन्होंने कहा है कि नॉन ट्रैवलिंग है, नहीं ये ट्रैवल नहीं करेंगे, इन्हें गुजर नाले के पुल के ऊपर जगह देके बिठा दिया जाएगा। अच्छा ये वो लोग हैं जो घर बैठ के भी तालियां बजाएंगे। इन पे लागू है कि तुम्हें नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व, इनको पीसीबी से कभी भी कॉल आ सकती है, बताओ 15वें ओवर की 3री बॉल पे क्या हुआ, अगर इन्होंने बोला हम देख ही नहीं रहे, तुम नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व हो, देखो पैसे कट जाएंगे, पैसे कट जाएंगे, पर्डे पे बैठ के मैच देखा करेंगे, और खास तौर पे बाबर आजम के लिए तालियां बजाएंगे, फिर ये बाबर आजम के लिए प्रीच भी करेंगे जा जाके लोगों को कि बाबर ग्रेट है, कोई बात नहीं, देखो रन तो कर रहे हैं, वाह मैच मैच का क्या हुआ, हार गया कोई बात नहीं, बाबर के रन देंगे तुम्हें, वो खुद लगाते हैं, अभी तो ये कह रहे थे कि वो अपने नाम के आगे लगाते हैं, बाबर किंग है, बाबर किंग, वो नहीं लगाता, लोग लगाते हैं, वो खुद क्यों कहता है, बट बाबर इज अ गुड प्लेयर, बाबर जो इतना सुतरा खेलता है, बड़े बड़े पाकिस्तान में लोग आए, इतना प्यारा कोई नहीं खेलता अपनी मर्जी से, कि उसने ना तो कभी कोई ओपनर पक्का खेलने दिया पाकिस्तान में, ना बनने दिया, हर स्क्वाड में 5 ओपनर रखता जरूर है, लेकिन खेलता यही है। पाकिस्तान में आज के बाद, बाबर आजम के बाद कोई ऐसा कप्तान मिलेगा ही नहीं आपको जो जिम्बाब्वे से हार जाए, जो अफगानिस्तान से हार जाए, मतलब अफगानिस्तान आज तक इस बात पे खुश है, अभी तो तारीख रकम करने की इसकी ख्वाहिश है, अभी तो ये युगांडा को भी ललकार रहा है, मुझे ट्रॉफी कहा है, जीता हुआ मैच हरवा दिया इंडिया से इसने, वो आप क्या समझ रही है, मेलबर्न का T20 वर्ल्ड कप का मामूली मैच आ रहे हैं वो, हम T20 वर्ल्ड कप देखे, रैंकिंग में कोई भी छोटी टीम जीत जाती है यार, रैंकिंग में तो जसकरन मल्होत्रा भी रहा, रैंकिंग 6 छक्के मारे उसने, यूएसए में एंडरसन भी रहा, रैंकिंग में तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी बता दूंगा जिनकी अम्मियां भी नहीं पहचानती हमारा लड़का कभी रैंकिंग में था, तो रैंकिंग तो आइडेंटिफाई नहीं करती कि आप में टैलेंट कितना है, ठीक है, आइडेंटिफाई क्या करता है, बड़े मैच हेडलाइंस में और उसमें कि बाबर आजम आप टॉप टैप बैट लाइन में शामिल रहे, अच्छा चल रहा है, बचा क्या, विराट कोहली का एक नाम हो गया, एक पहचान हो गई, भारत को बड़े मैचेस जितवाने की ख्वाहिश होती है, सही हाँ। जिम्बाब्वे के आखिरी 2-3 टूर्स छोड़ चुका है, यानी 4-5 सेंचुरी सी टीम नहीं खेलता, वो सी टीम है छोड़ देता, ये तो नेदरलैंड भी जा रहे हैं तो खेल रहे हैं मेरे 50 हो जाए, न्यूजीलैंड डी भी आ रही है तो हर मैच खेल रहे हैं मेरे 40-50, मेरा 100 हो जाए, पिछले साल भी ये न्यूजीलैंड आई थी ना, अभी हम तो खुश कर रहे हैं, 2-2 हुआ था लास्ट ईयर में, 5वां पाकिस्तान हार रहा था, बारिश हो गई, उस दिन मैं छत से कूद जाऊंगा जिस दिन नेपाल के खिलाफ कप्तान बना, हाँ मैं कूद जाऊंगा उस दिन मैं क्रिकेट, so sometimes it's a good player, you just have to, you know, back out for the time. रेंज जब मैं तुम्हें जरा थोड़ा टेक्निकली समझाऊं, देखो क्रिकेट में बहुत सारे बैट्समैन आए दुनिया में, बाबर के साथ क्या मसला है, बाबर के साथ मसला है कि बाबर की जो एक रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है यानी कि कुछ पावर हिटिंग उसमें मसला है,
फिर ये कहते हैं हम तो इनिंग बढ़ाते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने इन्हें अननेसेसरी गलत चढ़ाया, जितना स्किल्स है ना जो उसमें मौजूद हो उतना क्रेडिट तो मैं भी देता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें अननेसेसरी चढ़ाया, उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन तक शामिल हैं। अभी लास्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक उनका ये बयान तक आ गया, बाबर इनिंग बनाता है, बाबर मैच थोड़ी जिताएगा। पाकिस्तान के एक फॉर्मर कैप्टन है, तजिया भी बहुत अच्छा करता है। अच्छा नाम बताए ना, राशिद लतीफ साहब। अभी वो उनका ये बयान भी आ गया दो महीने पहले कि बाबर मैच थोड़ी जितवाएगा, तो इसका मतलब हम जैसे लोग ठीक थे ना यार। हमारा कहीं ना कहीं तजिया यही था, हम तो यही तो कहते हैं कि वो किंग क्वीन आप कभी भी लेजेंड उसको कह ही नहीं सकते जो मैच बना के खाली छोड़ जाए दूसरे वाले के लिए। विराट कोहली इज दी ओनली लेजेंड, क्योंकि वो मैच बनाता है जिस दिन, उस दिन वो छोड़ता नहीं है, गेम जीत के जाता है, जीत के जाता है। उसे आउट करना है पहले कर लो, फारिग कर दो। प्लेयर याद आपको रिमेम्बर इसीलिए रहता है जो फिनिश करता है, प्लेयर कभी रन से याद नहीं रहता आपको कि आप उसके रन्स बहुत थे। अभी रन्स तो पता नहीं कितने लोग दुनिया में मार के जा चुके हैं। डेनिस एमिस का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, उससे बड़ा बल्लेबाज तो मैं शायद और कोई नहीं होगा। मगर ये कि यार ठीक है, बाबर आजम रन्स करता है, रन्स मशीन बना हुआ है, वो पाकिस्तान को बोर्ड पे जीत भले हो ना हो, सही बात भाई, वो उसके रन्स की लानत तो पड़ी हुई है ना, कोई बात नहीं, वो समेटते रहेंगे।